उद्धव ठाकरे से मेरा कोई बैर नहीं, फिर भी मातोश्री के दरवाजे मेरे लिए बंद, देवेंद्र फडणवीस ने जताया दर्द। महाराष्ट्र की सियासत में फिलहाल घमासान मचा हुआ है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के लिए गए थे, इसी दौरान देवेंद्र फडणवीस ने इस दौरान विपक्षी दलों पर जमकर निशाना साधा। खासतौर पर उनके निशाने पर उद्धव ठाकरे रहे। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ मेरा किसी भी तरह का बैर नहीं है, उन्होंने ही मेरे लिए मातोश्री के दरवाजे बंद कर दिए हैं। हम एक साथ सरकार चलाते, एक साथ काम करते, लेकिन उन्होंने मेरा फोन भी नहीं उठाया। उन्होंने तो मुझे फोन करके ये बताने की भी जहमत नहीं उठाई कि वो हमारे साथ सरकार नहीं बनाना चाहते हैं। इस तरह से देवेंद्र फडणवीस ने अपने दर्द को बयां किया। दरअसल महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज बीजेपी और शिंदे गुट पर लगातार ईडी के दुरुपयोग का महाविकास अघाड़ी और विपक्षी अन्य नेताओं द्वारा आरोप भी लगाया जाता रहा है। इसी पर फडणवीस ने विपक्ष पर हमला बोला। राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने तत्कालीन उद्धव ठाकरे सरकार पर गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ठाकरे सरकार के कार्यकाल में मुझे जेल में डालने का टारगेट तत्कालीन मुंबई पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को दिया गया था। इसके अलावा फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर निशाना साधते हुए कहा कि साल 2014 और साल 2019 के चुनाव पीएम नरेंद्र मोदी की फोटो लगाकर लड़े गए और जीते गए थे। चुनाव के दौरान शिवसेना के कई उम्मीदवारों ने उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा फोटो और बाला साहेब ठाकरे का छोटा फोटो लगाकर जनता से वोट मांगे थे। महाराष्ट्र की पूर्व कैबिनेट मंत्री और राज्य बीजेपी की आला नेता पंकजा मुंडे इन दिनों हाशिए पर चल रही हैं। विपक्षी दल बार बार ये कह रहे हैं कि पंकजा मुंडे अगर हमारी पार्टी में आना चाहें तो उनका स्वागत है। विपक्ष ये कहकर भी बीजेपी पर हमला बोल रहा है कि एक कद्दावर नेता को महाराष्ट्र बीजेपी के आला नेताओं ने इस कदर दरकिनार किया हुआ है कि इन सबके बीच पंकजा मुंडे भी मंगलवार को दिल्ली पहुंची थी। कहा यह भी जा रहा है कि उन्होंने भी अमित शाह से मुलाकात की है। दरअसल बीते दिनों उद्धव ठाकरे गुट की तरफ से पंकजा मुंडे को खुला ऑफर दिया गया था कि वह ठाकरे गुट को ज्वाइन कर सकती हैं, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि पंकजा मुंडे कहीं नहीं जाएंगी, वह बीजेपी की एक कर्मठ नेता है और बीजेपी ही उनका घर है।